आज के इस दौर में कई लोग बीमारियों से परेशान हैं और कई गरीब पैसों के अभाव में इलाज न कराने पर मौत को गले लगा चुके हैं। इसी बीच गुजरात में स्थित धीरज हॉस्पिटल ट्रस्ट के लोगों ने उपचार का बेड़ा उठाया है और सभी बीमारी के इलाज के लिए निशुल्क उपचार और दूर दराज से लोगों को लाने ले जाने के लिए निशुल्क बस सेवा शुरू की। इस कड़ी में बुधवार सुबह खरगोन से ट्रस्ट की बस मरीजों को लेकर उपचार के लिए गुजरात रवाना हुई। बताया जा रहा है कि आज से सुविधा शुरू हुई है और हर बुधवार ये बस मरीजों के उपचार के लिए जाएगी, जिसमें मरीज के साथ एक अटेंडर भी निशुल्क है और इस पहल से लोगों में काफ़ी उत्साह है। इस दौरान मरीज के परिजन ने इंदौर के बजाय गुजरात इलाज करवाने की लोगों से अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। कितनी जा रहे हैं आप? ये गुड़िया का हार्ट का ऑपरेशन बोला है, इसको बड़ौदा दिखा दिया। कैसा लग रहा है? निःशुल्क है क्या है? हाँ, बहुत अच्छी सुविधा है, निःशुल्क है। जो परिवार मतलब मध्यम वर्ग परिवार है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है ये। और सबको मतलब इसकी जानकारी भी मिलना चाहिए और अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए लोगों को। ऐसे भी अपन इंदौर जाएं तो इंदौर में कैसा क्या इलाज महंगा रहता है? हाँ, इंदौर में इलाज तो महंगा है और जैसे बड़ौदा में निशुल्क इलाज भी होता है। अभी जैसे आपको बस की भी फ्री सेवा है, इलाज भी फ्री में होता है, कैसा लग रहा है? क्या संदेश दोगे? काम बहुत अच्छा लग रहा है कि निशुल्क है। आम आदमी क्या संदेश देंगे? आम आदमी तो यही कि उनको मतलब जो पैसे नहीं कर पाते किराए के लिए, तो उनके लिए सुविधा बहुत अच्छी है कि वो जाकर वो अपना इलाज करवा सके। क्या नाम लिख के? ममता मेरे। कहाँ रहते हो? कुंडा नगर। एक कैसा लग रहा है आपको? कितना की सुविधाएं दी जा रही है? बहुत ही अच्छी सुविधा है और सामान्य परिवार से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी सुविधा है और बस में अच्छी फैसिलिटी है, जाने की सुविधा भी अच्छी है, निःशुल्क हो रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। अच्छी सुविधा है। आप किसको ले जा रहे हैं? मैं मेरी माता जी को ले जा रहा हूँ। क्या क्या बीमारी? उनको घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। या फिर इंदौर जाते हैं, इंदौर में क्या महंगा इलाज मिलता है? हाँ, इंदौर महंगा इलाज के साथ साथ क्या है कि यहाँ पर वो भी ट्रस्ट के माध्यम से भी ट्रीटमेंट होता है और काफ़ी यहाँ से फायदा भी हुआ है, उसको देखते हुए बड़ौदा धीरज में जा रहे हैं। क्या आम आदमी क्या संदेश देंगे आप? उनसे ही कि सुविधा का अधिक से अधिक लाभ लें और फायदा उठाएं। क्या नाम है आपका? नटवर यादव। कहाँ रहते हो? दयालपुरा निवास के अंदर। आप अजय जैन और पंकज जैन और अपने लखन जी, ये उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो। और बाकी जो अलग अलग एरिया में जैसे मैंने नाम बताया आपको, जैसे सिंगाना है, कुक्षी है, अलीराजपुर है, मनावर है, तो वहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हो। और हमने बकायदा इसका पंपलेट बैनर और सब में प्रचार में का नाम मोबाइल नंबर सब दिया हुआ है और हमारा धीरज हॉस्पिटल तरफ से भी मेरा खुद का भी एक नंबर है और साथ में मेरे जो कलीग है उनका भी नंबर है। इंदौर में अगर मरीजों को ले जाए तो वहाँ और धीरज में क्या मतलब अंतर रहता है इलाज? मतलब किस तरह महंगा इलाज है इंदौर में? इंदौर में महंगा। हाँ, तो हमारे यहाँ आपके यहाँ जो मध्य प्रदेश में जितने भी सारे हॉस्पिटल है और गुजरात के जो हॉस्पिटल है उनसे हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें कम से कम 40 से 50% जो जांचे का जो शुल्क है वो कम है, कम खर्च में वहाँ इलाज होता है। क्या नाम सर? वहाँ पर फाइल बनवाना, रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर को दिखवाना, कंसल्टेशन, इंसान को तकलीफ नहीं आती? इंसान को कोई भी जात की कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारे जो वहाँ पर मैनेजमेंट है वो पूरा सहयोग इसके अंदर करेगा सभी मरीजों को। क्या नाम लिखते हैं सर आप? शिवराज सिंह राहुल जी। निःशुल्क बस सेवा हमने धीरज हॉस्पिटल तरफ से शुरू की है, उसमें हर बुधवार के दिन सुबह में यहाँ से 7 से 8 के बीच में यहाँ से गाड़ी निकलेगी खरगोन से कसरावत, कसरावत से खलगढ़, खलगढ़ से धर्मपुरी, धर्मपुरी से बातानेर, मनावर, मनावर से सिंगाना, सिंगाना से कुक्षी, कुक्षी अलीराजपुर होके ये धीरज हॉस्पिटल बस जाएगी। धीरज हॉस्पिटल एक ऐसी हॉस्पिटल है जिसमें
सभी प्रकार की स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी। सुपर स्पेशलिटी में मैं जैसे आपको बताऊँ कि न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, हृदय रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, ये सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी सेवाएँ। IVF है, किसी को जो जीवी संतान है उनके लिए भी अभी समाधान करने के लिए हमने IVF शुरुआत किया है। तो ये सारी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध रहेगी। और हमारे हॉस्पिटल की खास बात ये है कि वहाँ पर ये जो बस में हम लेके जा रहे हैं उसके साथ साथ वो जो मरीज बस में बैठ के आएंगे उनके लिए हमने शाम को अगर वो वहाँ पहुँचेंगे तो उनकी अलग से हम लोग एक सुविधा देंगे, जैसे उनकी फाइल एडवांस में बन जाएगी और एक खाना वगैरह उनको हम देंगे और रहने के लिए भी हम उनके व्यवस्था देंगे। और साथ में हमारे जो हॉस्पिटल के जो लोग हैं वो उनकी साथ में रह के उनको सेवाएं देंगे और उनको बताएंगे कि किसको कहाँ जाना है, तो उनको असुविधा नहीं होगी। तो स्पेशली इस सेवा इस बस में जो लोग आएंगे उनको ये सारी सुविधा का लाभ मिलेगा। और जैसे आयुष्मान कार्ड है तो आयुष्मान कार्ड से भी हमारे यहाँ इलाज होता है। मध्य प्रदेश का आयुष्मान कार्ड भी हमारे यहाँ चलता है। एक आम आदमी क्या संदेश दोगे? बहुत से लोग परेशान रहते हैं, इलाज नहीं करवा पाते जी। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीब लोग रहते हैं जिनको मतलब जाने के लिए भाड़ा तक नहीं रहता है, तो इन लोगों को भी इस सुविधा से काफ़ी सारा लाभ मिलेगा। और आयुष्मान के तहत ऑपरेशन वगैरह वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के किए जाते हैं सुपर स्पेशलिटी में। तो जैसे हर्निया हो, न्यूरो सर्जरी में जैसे गठान हो, कैंसर का इलाज हो, ये सब सब चीज़ें वहाँ पर सुविधा दी जाती है। कैसे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।